हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिट कमांड के बारे में बताऊंगा। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी यूनिट सेट करना ज़रूरी होता है। आप उसमें इंपीरियल यूनिट सिस्टम यूज़ करेंगे या मैट्रिक यूनिट सिस्टम यूज़ करेंगे। जैसे आप आर्किटेक्चर हैं और आपको आर्किटेक्चर वर्क करना है तो आप यहाँ पर इंपीरियल यूनिट सिस्टम का यूज़ करेंगे, मीन्स आप फीट इंच का यूज़ करेंगे। और अगर आपको मैकेनिकल वर्क करना है या आपको छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी ड्राइंग्स बनानी है तो आप mm सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। mm और सेंटीमीटर मैट्रिक यूनिट सिस्टम में आता है। जैसे मैं आपको यूनिट कमांड आप कैसे ओपन करेंगे, तो जैसे आप नीचे यहाँ पर कमांड लाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप या तो un टाइप कर दीजिए, क्योंकि यूनिट की जो कमांड होती है वो un एंटर होती है। आप यहाँ पर un टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, या आप पूरा कंप्लीट यूनिट्स टाइप कर सकते हैं उसके बाद एंटर कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर UNITS टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी यूनिट्स सबसे ऊपर, तो यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आपके सामने ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या आप एप्लीकेशन मेनू बार में जाएंगे और यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाकर यहाँ से आप यूनिट्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो सेटिंग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टाइप के आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं, लेंथ और एंगल। तो जैसे लेंथ में यहाँ पर कुछ टाइप दिए हुए हैं यूनिट्स के, जैसे आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं वो इंपीरियल यूनिट सिस्टम से रिलेटेड है, और डेसिमल मैट्रिक यूनिट सिस्टम से रिलेटेड है। मीन्स आप यहाँ पर फीट इंच का ज़्यादा यूज़ करेंगे और यहाँ पर डेसिमल में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का यूज़ करेंगे। और साइंटिफिक यूनिट्स का यूज़ हम जब आपको कोई स्मॉल डिस्टेंस या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिसिशन देख रहे हैं, इसके बाद ये आपको पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए तो आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कितना प्रिसिशन रखना है तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी यूनिट्स दिखाई देंगी। उसके बाद ये एंगल आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे डेसिमल डिग्री हम मैक्सिमम ऑटोकैड में डेसिमल डिग्री का यूज़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं डिग्री प्रति मिनट पर सेकेंड, इसका यूज़, ये काफ़ी ओल्ड मेथड है जो हम एंगल को मेज़र करते थे जिससे। और ग्रेड और रेडियंस जो हैं, ये यूनिट है ग्रेड और रेडियंस, ये भी मैथमेटिकल यूनिट्स हैं, हम इसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सर्वे यूनिट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं एंगल को मेज़र करने के लिए, जब आप सर्वे का वर्क कर रहे होंगे तब। तो अभी हम यहाँ पर डेसिमल डिग्री को ही यूज़ करेंगे और प्रेसिशन यहाँ पर जीरो रखेंगे। और आप एंगल क्लॉकवाइज रखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करेंगे तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज ही रहने देंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम ऑटोकैड में एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल को मेज़र करते हैं। मैं आपको इन सभी के बारे में ड्राइंग्स से थोड़ा समझा देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स ओपन करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये यूनिट्स आप देख रहे हैं फीट और इंच में है, और जो पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसको फ्रैक्शन में यहाँ पर हमने दिखाया है। दीज आर आर्किटेक्चर यूनिट्स, और यहाँ पर फीट और इंच का यूज़ किया गया है और फ्रैक्शन का यूज़ किया गया है पॉइंट के बाद की डिजिट को डिनोट करने के लिए। उसके बाद ये जो ड्राइंग है, ये डेसिमल जो लेंथ है वो डेसिमल में आप मेज़र करेंगे, और यहाँ पर mm का यूज़ किया गया है इस ड्राइंग में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिट्स का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो फीट और इंच में है ये, और यहाँ पर जो इंपीरियल यूनिट सिस्टम है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर 8 feet 6.7 inch, यहाँ पर पॉइंट के बाद फ्रैक्शन का यूज़ नहीं होता जो इंजीनियरिंग यूनिट्स है उनमें। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं, यहाँ पर आप फ्रैक्शनल देख रहे हैं तो आपको जहाँ पर फ्रैक्शन का यूज़ करना करके यूनिट्स दिखानी होती है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दीज आर साइंटिफिक यूनिट्स, साइंटिफिक यूनिट्स को इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया हुआ है, तो इस टाइप से ये सभी यूनिट्स का हम सिलेक्ट करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप, जैसे हमने यहाँ पर डेसिमल को सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ से मिलीमीटर या सेंटीमीटर में से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लाइटिंग का ये देख रहे हैं, तो इसका यूज़ हम ब्रांडिंग के टाइम करेंगे, जब आपको लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे उस टाइम जब हम 3D मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंगल की, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है एंगल मेज़र करना, या फिर एंगल वहीं से स्टार्ट होगा बनना, जैसे ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से। तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ईस्ट ही रहने देंगे, और यहाँ से आप अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपना कोई एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइंग यूनिट्स हमने सेट कर लिए, अब हम यहाँ से ओके कर लेंगे।
तो स्टेप से हम अपनी ड्राइंग यूनिट सेट करते हैं। अब हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो वो सभी एमएम में बनेंगी।